इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि कई अहम फैसले लिए गए। लेकिन इस बार जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें खास तौर पर धर्म को लेकर इसका विशेष ध्यान दिया गया है और धर्म को बढ़ावा देने को लेकर बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसके पहले महाकाल लोक और अलग अलग जगहों पर जो धार्मिक स्थल है वहां पर उनको डेवलप करने की बात कही गई थी, ठीक उसी तरह एक बार फिर से शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए श्री राम गमन पथ न्यास को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में दतिया के मंदिर को ध्यान में रखते हुए हवाई पट्टी को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह मंदसौर में मल्हारगढ़ और सागर में जयसी नगर SDM कार्यालय के साथ नवीन पद स्वीकृत हुए हैं। कृषि विभाग में नई FPO पॉलिसी की स्वीकृति, ई नगर पालिका पोर्टल 2.0 स्वीकृत हुआ है। सागर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया। तो शिवराज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आते थे जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी उसे आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5000 रुपया उनको मिलेगा। लगभग 300 से अधिक लोग पहले से थे, अब चूंकि इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है तो ये संख्या काफी बढ़ेगी। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS /ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। FFPO के गठन का भी प्रत्येक विकास खंड में 2 FPO के गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस FPO की हैंड होल्डिंग जिसे प्रदान की जाएगी उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग से जिनमें सहायता मिलेगी उस कार्य के लिए आज कृषि मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है।